डॉक्यूमेंट रिक्वायर टू गेट वेंचर कैपिटल ये है हमारा आज का टॉपिक यानी कि क्या क्या कागजात लगेंगे किसी वेंचर कैपिटल को लेने के लिए वेंचर कैपिटल के बारे में तो हमने जान लिया अब वेंचर कैपिटल लेना किससे है ये भी तो जानेंगे और लेने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे क्योंकि पैसा तो कोई ऐसे देने वाला नहीं है राइट right? तो उसके लिए चलिए देखते हैं हमें क्या क्या करना पड़ेगा एन ऑन्टरप्रीनियर विलिंग टू सीक वेंचर कैपिटल असिस्टेंस लोन

तो चलिए देखते हैं ये पूरा एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है बस हाँ लेकिन इस डॉक्यूमेंट से बियॉन्ड भी कुछ नहीं लगेगा ये भी जान लीजिए तो जिसको बिजनेस स्टार्ट करनी है वेंचर कैपिटल की जरूरत है जाइए लीजिए वेंचर कैपिटल को ढूंढिए और ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए ये डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए वीडियो तो देखिए पहले कॉपी ऑफ़ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर इफ़ असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट सॉरी डिपार्टमेंट यानी कि एस एफ शॉर्ट फॉर्म है स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जो भी uh, कॉपी कॉपी यानी कि नॉट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसकी कॉपी करा के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो हमने पढ़ा था लीगल रिक्वायरमेंट में उसकी कॉपी देनी पड़ेगी दूसरा एप्लीकेशन फॉर एन इंडस्ट्रियल सेड और परमिशन ऑफ द कंप्यूटेंट अथॉरिटी टू स्टेबलाइज यूनिट इन हिज ओन प्रीमाइसिस उसी आ, जो भी एप्लीकेशन एप्लीकेशन की कॉपी देनी पड़ेगी जहाँ भी हम इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप कर रहे हैं वहाँ पे हमने परमिशन ली है कि नहीं वो तीसरी हो गई एप्लीकेशन की कॉपी जो कि है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट की लाइसेंस की मतलब जो भी हमने लीगल रिक्वायरमेंट में जितने भी हमने पढ़े थे कि क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है समझ लीजिए उसी की कॉपी यहाँ पर लगेगी फोर्थ है कॉपी ऑफ द क्लियरेंस ऑप्टेंट अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन लॉ एन्वायरमेंट प्रोडक्शन लॉ यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की समझ लो क्लियरेंस जो है वो उसकी कॉपी लगेगी सेंक्शन ऑफ द पावर कनेक्शन पावर कनेक्शन के लिए हमने हमें मिली है अवधि सेक्शन किया गया है उसकी कॉपी फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमारी कैसी है उसकी कॉपी और प्रूफ प्रूफ भी देना पड़ेगा कि प्रमोटर की कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी है गैप ऑफ इक्विटी की इफ़ एनी टू बी फाइनेंस अगर वो कुछ और फाइनेंस करने वाली है उसकी गैप कितनी है उसकी फाइनेंसिंग की उसका प्रूफ देना पड़ेगा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो भी होगी उसकी डिटेल uh, डिटेल देनी पड़ेगी तभी तो वो हमें फाइनेंस देगा और अगर हमारा एस सी एस टी या हेंडी कैप एक्स सर्विस मैन या विडो ऑन्टरप्रीनियर है स्टेटस तो उसकी प्रूफ देनी पड़ेगी ताकि हमें कुछ ग्रांट्स मिल सके सब्सिडरी मिल सके <laughs> प्रूफ ऑफ द लोकेशन ऑफ द यूनिट इन एन इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया फिर कंसेशन अंडर सच स्कीम इज टू तो बी ऑप्टेंड और लास्ट है हमारा एश्योरेंस या अंडरटेकिंग जो कि जरूरी होती है परमिशन की मतलब अप्रूवल या क्लियरेंस जो भी है कंसर्न अथॉरिटी से हमने ली है कि नहीं वो बताना पड़ेगा कि हाँ हमें सबसे परमिशन लेके तभी ये काम करने जा रहे हैं और उस काम करने के लिए आप हमें लोन के रूप में पैसे दीजिए हम हाँ इतने साल बाद आपको लौटा देंगे और वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है सो वेंचर कैपिटल के रिक्वायरमेंट आपने पढ़ ली लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है वो भी पढ़ ली स्टेजेस भी पढ़ ली सब कुछ पढ़ लिया अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है ये चैप्टर इंड होता है नेक्स्ट चैप्टर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो